देखो यार, आज अपने पास iPhone 13 Pro और इसके अंदर अपन करेंगे BGMI टेस्ट। तो कैसे हो आप सारे के सारे, आई होप बढ़िया ही होगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी बैटरी हेल्थ दिखा देता हूँ भाई। इसकी बैटरी हेल्थ है 86%, जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब डिसेंट सी मान लो। और इसमें ओपन करते हैं BGMI, और ये BGMI टेस्ट को ना मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। एक स्मूथ पे 90 FPS और दूसरा अल्ट्रा HD पे अल्ट्रा। ओके गाइज, तो सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। स्मूथ में ये आपको 90 FPS दे देगा, बैलेंस पे जाते ही ये 60 FPS में स्विच हो जाएगा, और HD में भी आपको 60, HDR में भी आपको 60, और अल्ट्रा HD में आपको 40 FPS, यानी कि अल्ट्रा का ही सिर्फ सपोर्ट देता है। तो अपन दोनों में टेस्ट करेंगे, सबसे कम वाला भी और सबसे हाई वाला भी, और TDM का भी टेस्ट करेंगे। तो टेंशन मत लेना यार। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं इरेंगल चला देता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ। 77% बैटरी है, तो अब ये जितना भी बैटरी ड्रेन करेगा वो भी मैं बता दूंगा। अभी तो चल रहा है 90 FPS पे और भाई एकदम ही स्मूथ चल रहा है। अब कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो उनके लिए भाई ये लो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, और आप लोग रिकॉर्डिंग वाला POV भी देख सकते हो, हैंड कैम तो देख ही सकते हो। और भाई वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना और हैंड कैम को भी इग्नोर करना, क्योंकि हैंड कैम मैंने जैसे बनाया है ना, तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम भी हंसोगे। तो अभी फटाफट से लैंड करते हैं और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। मार्क द लोकेशन। देखो यार, अगर आप लोग चेक करोगे तो भाई इवेंट में काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं और मैं उतने टाइम से घूम रहा हूँ। मेरा जायरो भी ऑन है और जायरो एकदम मस्त चल रहा है भाई, और मेरे को यहाँ पे कोई भी FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। आप लोग भी हैंड कैम में एकदम इजीली देख पाओगे। और यार अभी ना यहाँ पे मेरे साथ एक ऐसा सीन होने वाला है, तुम लोग को भी मज़ा आ जाएगा। देखो अब यार, ये वाला बंदा इतना गंदा प्रैंक कर देता है मेरे साथ, मेरे को कुछ देर तो कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन अब देखो, अब मैं फिर से इसको डैमेज देता हूँ, ये फिर से मेरे को स्नोमैन बना देता है। भाई के अलग ही मजे चल रहे थे यार, और मैं इतना गंदा फंसा था यहाँ पे भाई, क्या ही बताऊँ। और एट द एंड मैं इसी के बर्फ गोला, जो भी भाई ये गन है, इसी से मर जाता हूँ। लेकिन हाँ, लैग वैग यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। अब अपन चलने वाले हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे करेंगे भाई अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा में। अब देखो यार, इस मतलब जितनी हाईएस्ट सेटिंग ये फ़ोन दे सकता था वहाँ पे इसको लेके चलते हैं, और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेंगे। तो आप लोग को भी पता चल जाएगा यार कि कैसा सीन रहने वाला है। और बैटरी की बात करूँ तो यार 4-5% ड्रॉप हुई है, और वो वाला मेरा गेम लगभग यार 10-15 मिनट चला था भाई। अब वहाँ पे कुछ पार्ट मैंने कट कर दिए थे, लेकिन हाँ 10-15 मिनट में 4-5%, जो कि यार काफ़ी सही है। और कोई हीटिंग वगैरह भी देखने को नहीं मिली है। तो अब अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा में क्या परफॉर्मेंस देगा भाई, ये तो मैं खुद हैरान हूँ देखने के लिए। तो चलो चलते हैं फटाफट से। और यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग वालों, टेंशन मत लेना, तुम्हारे लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूंगा। क्योंकि यार कुछ लोग का ये रहता है ना सीन कि भाई मेरे को रिकॉर्डिंग करते टाइम खेलना है, तो टेंशन मत लो भाई, रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे हम। और आपको रिकॉर्डिंग वाला POV भी दिखेगा, ताकि भाई ये ना हो कि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी आ रही है। और एक बात बोलूँ तो आईफोन की रिकॉर्डिंग वाली क्वालिटी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, भाई सच में काफ़ी अच्छी होती है, मतलब एंड्रॉयड से तो भाई लाख गुना अच्छी होती है। और इवेंट यार स्टार्टिंग में ही है, तो देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। आप लोग दोनों चीज़ इंजॉय करो।
देखो यार, इवेंट में इतने ज़्यादा बंदे थे, उसके बाद भी मुझे कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिला। और भाई 40 FPS में खेल रहा हूँ ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन सच में भाई काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। और अभी ये सामने बंदे, और तुम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला POV देखो एक बार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी क्वालिटी आप लोग को पता चल जाएगी। देखो यार, ये तो नॉर्मल लॉबी में भाई एकदम, मतलब अगर तुम सिर्फ गेम खेल रहे हो भाई, मतलब स्क्रीम्स वगैरह का तो मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन तुम अगर क्लासिक खेल रहे हो तो भाई मैं लिख के दे सकता हूँ। बस फ़ोन को मतलब ऐसा ना हो कि उसका टेम्परेचर एकदम से हाई हो रखा हो, तो भाई तुम कुछ भी लगा के खेल लो, एकदम अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्क्रीम्स में भी ट्राई करूँ, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस बताऊँ कस्टम्स में, तो वो भी बता देना, मैं कर लूँगा। और भाई ये अपार्टमेंट का देखो, अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा में अलग ही दिख रही है बे, बंदा पहचान नहीं सकता भाई। अगर कोई मतलब किसी ने अगर अल्ट्रा HD पे ना खेला हो तो वो नहीं बता सकता कि भाई ये अपार्टमेंट है। सामने वाले घर भी देखो भाई, एकदम से रूप रेखा ही बदल दी इस फ़ोन ने। और फिर अब मेरी भी रूपरेखा बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ भाई अभी भी बोलूँगा कि लैग भाई मेरे को पूरे गेम पे कहीं भी नहीं देखने को मिला। और अभी अपन करने वाले हैं HDR में 60 FPS में TDM का भी टेस्ट, क्योंकि यार काफ़ी लोग का ये रहता है कि भाई TDM में ये गेम, अरे मतलब गेम क्या होता है भाई, मतलब TDM में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे मेरे फ्रेंड की सेटिंग लगी हुई थी 2 फिंगर वाली, तो भाई पहले मैं भी जोश जोश में सोचता हूँ कि भाई 2 फिंगर से इनको लुढ़का दूंगा, लेकिन उसके बाद देखना मेरे साथ क्या होता है। और ये TDM चल रहा है विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग HDR 60 FPS, तो वो भी आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस। अब यार ये तो मेरे से नहीं हो पाता भाई, तो मैं फटाफट से जाके यहाँ पे मैंने जो अपनी सेटिंग बनाई थी वो लगा लेता हूँ, और फिर कुछ बढ़िया ही हेडशॉट पड़े थे, एंजॉय करो आप लोग। भाई तुम लोग एक बार पॉइंट चेक करो यार, 36, 38, और अब तुम बस सीन देखना। अब ना यार मैं तुम लोग को एक बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यार अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और अब दिखाता हूँ तुम लोग को एक मस्त सीन, देखो बैटरी यहाँ पे 12 से 13% ड्रॉप हुई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी, और भाई मैं लगभग 40 से 50 मिनट गेमिंग कर चुका हूँ। और यार हैंड कैम इतना बुरा इसलिए आ रहा था क्योंकि यार मैं कैसे कर रहा था यार, ये मुझे ही पता है, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।